दोस्तों अभी हम बात करेंगे जफना किंग्स और कोलंबो स्टार्स के बीच खेले जाने वाले लंका प्रीमियर लीग के 9वें मैच की। अब दोस्तों इस वाले मैच में स्मॉल लीग्स के लिए आपके लिए बेस्ट पिक कौन रहेंगे और ग्रैंड लीग के लिए, तो दोस्तों ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में सारा कुछ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़, इस वाले मैच की ना फाइनल टीम आपको कहाँ पर मिलेगी, तो दोस्तों मैं बता दूँ टेलीग्राम में हमारे चैनल है जिसका नाम है UDCRA। सिंपली आप सर्च करेंगे @UDCRA। अब दोस्तों 95,000 के आसपास जो चैनल शो होगा ना, यही वाला चैनल आपने ज्वाइन करना। नीचे कुछ फेक चैनल है, तो सबसे पहले जो टॉप पे जो चैनल शो हो रहा है इसे क्लिक करिए एंड यहाँ पे जो अनम्यूट का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों फाइनल टीम्स वगैरह आपको यहीं पर मिलती है, ठीक है। सेकेंड तरीका दोस्तों, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना यूट्यूब पर, इसके सिंपली टाइटल पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक पड़ा है, सिंपली इस लिंक पे क्लिक करिए और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम से। तो याद रखिएगा टेलीग्राम से जुड़ना आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों आगे बात करेंगे मैच की, जिस पर सबसे पहले हम क्रिकबज ओपन करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों जफना किंग्स और कोलंबो स्टार्स के बीच जो मैच खेला जाएगा। प्लेइंग 11 की बात करें, किंग्स की बात करें सबसे पहले, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से प्लेइंग 11 रहने वाली है जिसमें गुरबाज अविष्का फर्नांडो आपको ओपन करते नजर आएंगे। कैडमोट दोस्तों 1 डाउन पे, 2 डाउन पे टिजारा परेरा आएंगे, शोएब मलिक है। इसके बाद दोस्तों चतुरंगा डिसिल्वा, हसरंगा आएंगे, इनके बाद थरंगा है दोस्तों, सुरंगा लकमल, थिकसाना, जेडन सिल्स, ये रहेगी दोस्तों इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11। कोलंबो स्टार्स की प्लेइंग 11 की बात करें, वो भी यहाँ पे देखे जाएंगे, जिसमें पाथुम निशंका है, टॉम बेंटन है जो कि ओपन करेंगे, कुशल परेरा है दोस्तों, अशरफन रदरफोर्ड रहेंगे, नवीन रहेंगे, चंदीमल रहेंगे, धनंजय डेसिल्वा, केमो पॉल, परसाना रहेंगे, इसके बाद दुष्मंता चमीरा, अकेला धनंजय रहेंगे दोस्तों। ये रहेगी कोलंबो स्टार्स की प्लेइंग 11, याद रखिएगा। सबसे पहले अब यहाँ से देखें दोस्तों जफना किंग्स की बात कर रहे हैं, गुरबाज दोस्तों फॉर्म तो ज़बरदस्त चल रहा था इनका लास्ट गेम में, हालांकि कुछ बढ़िया नहीं कर पाया अविष्का फर्नांडो जो कि एक बढ़िया पारी खेल के गए थे। इसके बाद दोस्तों कैडमर, अब इनके अगर लास्ट गेम की बात करें तो दोस्तों उसमें क्या हुआ था, कैडमर ने लास्ट के गेम में ना 45 रन का स्कोर किया था, हालांकि इस गेम में 14 रन पर ही आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों तिजारा परेरा जो कि टीम के कैप्टन भी हैं, 53 रन का स्कोर भी करके आ रहे हैं पिछले गेम में। अब यहाँ पे एक दोस्तों बैटिंग करने आया है 2 डाउन पे, लेकिन आप इसे जस्ट पिछला गेम देखेंगे ना तो शोएब मलिक आए थे तिजारा परेरा की जगह पे, है ना। और उन्होंने दोस्तों 26 रन का स्कोर किया था यहाँ पे, तिजारा परेरा की जगह पे आए थे, हालांकि इन्होंने भी बढ़िया किया था और चांसेस भी मुझे लगते हैं कि परेरा की जगह ना शोएब मलिक ही बैटिंग करने आएंगे, कुछ ऐसा रहेगा इनका बैटिंग ऑर्डर। इसके बाद चतुरंगा डिसिल्वा, लास्ट गेम में तो यहाँ तक इनकी बैटिंग ही नहीं आई थी दोस्तों, बैटिंग आई थी परेरा तक ही, सॉरी इनके जगह शोएब मलिक आए थे, यहीं तक ही आई थी, यानी कि कुल 2 विकेट्स ही गिरे थे, ठीक है। बाकी डिसिल्वा एक मिडिल ऑर्डर पर काफ़ी बढ़िया बैट्समैन रहेंगे, इनकी बॉलिंग एक बार अगर चेक करें ना। अब यहाँ पे दोस्तों लकमल एंड जेडन सिल्स आपको अंतिम ओवर करते नजर आएंगे, इसके अलावा कभी कभार हसरंगा भी कर लेते हैं, है ना, ऑलराउंडर दोस्तों, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स देंगे। बाकी अगर मैं बताऊँ ना, मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था ग्रैंड लीग के लिए भी ऑप्शन बताऊँगा, तो यहाँ से दोस्तों चतुरंगा डिसिल्वा को ना आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। बाकी यहाँ से आपके लिए स्मॉल लीग्स के ऑप्शन हैं जिसमें रहेंगे सुरंगा लकमल, जेडन सिल्स जो कि आपको अंतिम ओवर करते नजर आएंगे, ऑलराउंडर सेक्शन से आपके लिए रहेंगे हसारंगा, इसके बाद दोस्तों थिकसाना जो कि मिडिल के ओवर करते हैं, है ना, और विकेट टेकर बॉलर है, आपके लिए विकेट टेकर ऑप्शन रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कैडमन ने 45 रन किए थे, शोएब मलिक
इसके बाद उस ऊपर थारंगा आए थे, टिजारा परेरा की बैटिंग थोड़ी सी डाउन थी, है ना। शोएब मलिक यहाँ पे रहेंगे ना दोस्तों, तो आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे। सेम दोस्तों कैडमर भी रहेंगे यहाँ पे। दोस्तों गुरबाज दो मैचेस से ऊपर नहीं चल रहे हैं, पहले वाले गेम में भी 11 किए थे। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं बताऊँ ना, तो आप गुरबाज को ना इस वाले गेम में कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 गेम्स में ना इनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, प्लेयर काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं दोस्तों। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप गुरबाज को ट्राई कर लीजिएगा, काफ़ी कम लोग हैं जो इनको ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों अब इसका फर्नांडो कभी चलते हैं कभी नहीं। लास्ट के 2 गेम्स की बात करें तो दोस्तों प्रदर्शन बढ़िया रहा है, पहले वाले गेम में तो 11 रन करके आ रहे हैं। मे भी चांसेस कम लग रहा है मुझे कि ना ही चलें फ़िलहाल के लिए, बाकी ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बाद कैडमर जो कि मैं बताया था दोस्तों, इससे आगे वाले गेम में केवल इसी वाले गेम में ही परफॉर्मेंस इनका अच्छा यहाँ पे दिख रहा है ना। पहले गेम में भी आई थिंक 10 रन का स्कोर किए थे। इसके बाद दोस्तों डाउन ऑर्डर की बात करें ना, तो दोस्तों यहाँ से आप परेरा को ट्राई कर सकते हैं, हसरंगा दोस्तों ये तो CVC के चॉइस बनते हैं, काफ़ी लोग इन्हें CVC बनाएंगे, बट हम थोड़ा सा अलग ट्राई करेंगे, है ना, भीड़ के साथ नहीं चलेंगे। सुरंगा लकमल आपकी टीम में रहेंगे, थिक्साना रहेंगे, जिडन स्टील्स रहेंगे। इसके अलावा बैटिंग सेक्शन से आप किसे रखेंगे वो भी मैं बताता हूँ दोस्तों। स्मॉल लीग्स के लिए मैं बता रहा हूँ, बैटिंग सेक्शन से आपके लिए रहेंगे ना गुरबाज रहेंगे, अविष्का फर्नांडो रहेंगे और कैडमर रहेंगे आपके लिए। और बाकी दोस्तों GL के लिए मैं बताऊँ ना, ग्रैंड लीग में आप या मिनी ग्रैंड लीग में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो कैडमर को ड्रॉप करके यहाँ से शोएब मलिक ले लीजिए, इसके बाद परेरा रहेंगे आपकी टीम में, चतुरंगा दे सिल्वा रहेंगे। बाकी ये सेम ऑप्शन हसरंगा को ले लीजिए, जेडन सील्स को ले लीजिए और सुरंगा लकमल आप रख सकते हैं ग्रैंड लीग में, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात करेंगे ना कोलंबो स्टार्स की, होप आपके डाउट्स ना क्लियर हो चुके होंगे, फिर भी मैं एक बार टीम यहाँ पे टीम बना के दिखा देता हूँ आपको। अब दोस्तों यहाँ से जैसे कि मैंने बताया गुरबाज रहेंगे, अविष्का फर्नांडो रहेंगे, कैडमर रहेंगे आपकी टीम में, इसके अलावा मैंने किसी बताया हसरंगा रहेंगे, थिकसाना लकमल और दोस्तों जेडन सील्स, कितने हो गए दोस्तों 7 प्लेयर हो गए। अब दोस्तों 5 हमें अपोनेंट्स के साइड से लेने होंगे, अगर ज़्यादा लेने पड़े तो इनमें से एक प्लेयर हम ड्रॉप करेंगे, ठीक है। ये हमारे इम्पॉर्टेंट पिक्स रहेंगे स्मॉल लीग्स के लिए। अब दोस्तों आगे बात करेंगे कोलंबो स्टार्स की, स्कोर कार्ड पे चलेंगे दोस्तों। अरे दोस्तों ऐड से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता हूँ, एक सेकेंड, ओपन हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रथम निशंका, ठीक है, जो कि दोस्तों इस वाले गेम में 12 रन की पारी खेली थी, लास्ट गेम की बात करें तो केवल 1 रन। अब इससे क्या समझ आता है दोस्तों, दोस्तों आप इन्हें ग्रैंडलिंग में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, या तो चल गए या तो फ्लॉप हो गए, रिस्क लीजिए दोस्तों। ऑप्शन मैं बताते जा रहा हूँ, क्या कहते हैं अपोनेंट की टीम कौन सी थी दोस्तों, एक सेकेंड, जैफना किंग्स की दोस्तों मैं बात कर रहा था, उनमें से भी मैंने आपको ग्रैंड लीग के पिक्स बताए हैं हम 2-3, है ना, मैं वही भूल गया था। इसके बाद निशंका दोस्तों आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए चॉइस रहेंगे, है ना, 2 गेम्स में कुछ खास नहीं कर पाए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 12 रन का स्कोर पिछले गेम में और उससे पहले दोस्तों 1½ रन का स्कोर कर गया जो उनका पहला गेम हुआ था, आई थिंक गेल ग्लेडिएटर्स के साथ हुआ था, ठीक है। टॉम बेंटन की बात करेंगे आगे, इस वाले गेम में भले ही 23 रन का स्कोर किए थे, थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहा बट दोस्तों उतना कुछ खास नहीं कर पाए, लास्ट के गेम में भी दोस्तों 10 रन की पारी खेली थी इन्होंने। अब इसके बाद आएंगे कुशल परेरा, जो कि एक तरीके से मैं बताऊँ ना तो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग्स के लिए, लास्ट के गेम में भी 8 रन का स्कोर करके आए थे, है ना। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि स्कोर तो कर नहीं रहा बंदा, लेने का क्या फ़ायदा, बट दोस्तों
ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है, कुशल परेरा ना कल के मैच में एक बढ़िया इनिंग खेल के जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ से इम्पोर्टेंट पिक्स आपके लिए रहेंगे टॉम बेंटन, प्रदर्शन उतना कुछ खास नहीं है लास्ट के 2 मैचेस में, बट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। इसके बाद दोस्तों शेफलिन रदरफोर्ड की बात करें, अब यहाँ पे दोस्तों 6 रन ज़्यादा किए थे पिछले वाले गेम में, केवल और केवल 10 रन बनाए थे, है ना। इनके भी फॉर्म उतनी कुछ खास नहीं चल रही है, बट दोस्तों 2 डाउन पे बैटिंग कराएंगे, है ना। एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे आपके लिए मिनी ग्रैंड लीग के लिए, ध्यान रखिएगा मिनी ग्रैंड लीग के लिए, जिसके मेंबर होते हैं दोस्तों 9, 10, 20 या 30 तक होते हैं, ठीक है। इन सारी लीग्स में आप रदरफोर्ड को ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद नवीन, अब दोस्तों नवीन का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, नीचे हो सकता है, ऊपर तो नहीं होगा दोस्तों, नीचे थोड़ा सा हो सकता है, बाकी अगर जाएंगे तो सेम ही जाएंगे, वरना थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है एक आधे नंबर पे। अब नवीन पिछले गेम की बात करें तो दोस्तों काफ़ी नीचे के नंबर पे थे, और यहाँ पे दोस्तों ऊपर बैटिंग करा रहे हैं, मिडिल ऑर्डर पे आप कह सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात नवीन उल हक के बारे में बताऊँ ना मैं यहाँ पे, तो दोस्तों अगर तो यहाँ पे बैटिंग कराने आएंगे, यानी कि 4 डाउन के आसपास अगर तो बैटिंग कराने आते हैं, 3 डाउन या 4 डाउन पे, ठीक है, तो दोस्तों आप इन्हें कहाँ ट्राई करेंगे, स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग? दोस्तों ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा, क्यों? क्योंकि बैटिंग भी करा लेते हैं ये, है ना। आई थिंक मुझे याद है इंडिया के साथ जब इनका मैच हुआ था T20 इंटरनेशनल का, है ना, उसमें 59 रन की पारी खेली थी इन्होंने, ठीक है। तो कभी कभी बैटिंग भी करा लेते हैं जहाँ पे इनका बैटिंग ऑर्डर है 3 या 4 डाउन पे, ठीक है। तो आप ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा। बाकी आगे बात करेंगे चंदीमल की, अब इन्होंने क्या किया था लास्ट के गेम की बात करें दोस्तों, तो सेम ही है जहाँ तक इस गेम में दोस्तों 26 किया है, लास्ट के गेम में भी 26 का स्कोर किया है, ठीक है। ऑप्शन ग्रैंड लीग के लिए ज़्यादा बढ़िया है या मिनी ग्रैंड लीग के लिए, है ना। स्मॉल लीग्स के लिए फ़िलहाल के लिए मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट के 2 मैचेस में इस वाले में और इससे पहले वाले गेम्स में सेम रन का स्कोर किए हैं, ठीक है। इसके बाद धनंजय दे सिल्वा, पहले गेम में दोस्तों यहाँ पे इनके बताऊँ तो दोस्तों ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रहा है, 24 और यहाँ पे 21, ठीक है। बाकी ऑप्शन तो काफ़ी बढ़िया है इनका, बाकी नीचे डाउन इस ऑर्डर की ना बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बॉलिंग डिपार्टमेंट आ जाता है ना। बाकी डिसिल्वा को मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि स्मॉल लीग्स के लिए बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। अब वो मैं कहाँ से कंफर्म करूँगा, यहाँ से दोस्तों, एक ओवर यहाँ पे किए थे, मैं लास्ट गेम भी चेक करना चाहूँगा, क्या कहते हैं इनका क्या कहते हैं इनका दोस्तों डिसिल्वा का, है ना, कि बैटिंग बॉलिंग कहाँ पे कराए थे। दोस्तों डिसिल्वा ने ना लास्ट के गेम में 4 ओवर पूरे किए थे, यहाँ पे 1 ओवर किए, अब वो देखना पड़ेगा कि ओवर्स कहाँ पे किए थे, है ना। चमीरा दोस्तों, इसके अलावा करुणा रत्ने, चमीरा दोस्तों यहाँ से देखिए, अरे सॉरी दोस्तों, चमिका करुणरत्ने, ये तो मैं अपोनेंट टीम का नाम बोल गया, दुश्मंता चमीरा आपको ना अंतिम ओवर करते नज़र आएंगे। नवीन उल हक, ये देखिए दोस्तों अंतिम ओवर करेंगे, और सिर्फ यहाँ पे नहीं किए थे, लास्ट के गेम में भी ना किए हुए थे यहाँ पे अंतिम ओवर। इसके बाद दोस्तों नवीन को मैं इसीलिए आपको ग्राइंडिंग में सजेस्ट करवा रहा था, क्योंकि बंदा बॉलिंग भी कराएगा बैटिंग भी करा लेता है, लेकिन रेगुलर बैटिंग नहीं कर पाते नवीन, ठीक है, तो ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। इसके बाद अकेला धनंजय मिडल के ओवर, जी हाँ मिडल के ओवर करते नजर आएंगे, दुश्मंता चमीरा मिडल के ओवर भी करेंगे,
और दोस्तों कीमोपॉल फिलहाल के लिए क्या कहते हैं ये स्मॉल लीग्स के लिए मेरे को ना दोस्तों कीमोपॉल एक बढ़िया ऑप्शन नहीं लग रहा है, बट फिर भी देखेंगे क्या निकल के आता है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ से मैं बात करूँ ना तो दोस्तों नवीन का प्रदर्शन पिछले 2 मैचेस में उतना कुछ खास नहीं रहा है। लास्ट के ओवर भी करते हैं चमीरा के साथ। और मुझे लग रहा है इनके स्टैट्स देख के ना, अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ कर जाएं। हालांकि विकेट्स तो अंडे दिख रहे हैं, है ना। लास्ट के गेम में भी 3 ओवर कराए थे, यहाँ पे 4 ओवर कराए थे, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला, पिछले गेम में भी कुछ नहीं मिला। मे बी इस वाले मैच में विकेट लेके चले जाएं, वो एक अलग सिनेरियो रहेगा। कीमो पॉल आपके लिए ऑप्शन है दोस्तों मिनी ग्रैंडलीग के लिए, ठीक है। चमीरा और अकीला धनंजय एक ज़बरदस्त विकेट टेकिंग ऑप्शन रहेगा। क्यों, धनंजय की बात करें तो लास्ट गेम में 4 ओवर पूरे किए थे, यहाँ पे 1 विकेट, लास्ट गेम में 2 विकेट लेके गए थे, ठीक है। इसके बाद चमीरा की बात करें, यहाँ पे तो दोस्तों जितने ओवर्स किए उतने ही विकेट्स लिए, एक छोड़कर। पिछले गेम की बात करें, चमीरा ने अगेन 4 ओवर अपने ओवर्स पूरे किए थे, विकेट्स कितने लेके गए थे, 2। तो ये दो ऑप्शन जो है ना आपके लिए विकेट टेकर ऑप्शन है। इसके बाद अब किसे ट्राई करेंगे, कीमो पॉल को या परसाना को या नवीन उल हक को। अब दोस्तों भीड़ के साथ जाएंगे तो दोस्तों आप किसे रख पाएंगे मैं बताऊं। दोस्तों यहाँ से परसाना और कीमो पॉल, इसके अलावा लोग जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं ना वो डिसिल्वा के ऊपर। आई थिंक मुझे भी लगता है, जैसा कि मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, कि डिसिल्वा को मैं स्मॉल लीग्स में सजेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि इनका ऑप्शन बढ़िया है, ठीक है। भले इस गेम में 1 ही ओवर कराए थे, लास्ट गेम में 4 ओवर पूरे कराए थे, ठीक है, तो ये माइंड में ज़रूर रखेगा। और 2 विकेट भी लेके गए थे लास्ट के गेम में, है ना। तो जनता दोस्तों डिसिल्वा के साथ जा रही है, आप किसके साथ जाएंगे, नवीन के साथ या परसाना या कीमो पॉल के साथ, है ना, वो देखने वाली बात होगी। अब दोस्तों फाइनली मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए। तो दोस्तों स्मॉल लीग्स के लिए हम डेसिल्वा, चमीरा, अकीला धनंजय को रखेंगे, बाकी एक आधे अगर हम और एडजस्ट कर पाएँ तो उनमें रहेगा नवीन, ये अलग रहेगा थोड़ा, पिछले 2 गेम्स में विकेट्स नहीं मिले हैं और इस बार हम ट्रस्ट कर सकते हैं इनके ऊपर, ठीक है। बाकी परसाना और कीमो पॉल का जो ऑप्शन है वो मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग का रहेगा, ठीक है। होप दोस्तों आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। यहाँ से बात करें तो टॉम बेंटन आपके लिए एक ऑप्शन है ना। इसके अलावा माइंड लगाइए दोस्तों और कौन सा ऑप्शन है आपके पास, कुशल परेरा का है जैसा कि मैंने बताया था। अब इसके बाद किसे ट्राई करेंगे दोस्तों, माइंड लगाइए, कोई ख़ास ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। नवीन का है बट इनकी फॉर्म इतनी कुछ खास नहीं है, स्मॉल लीग्स में रिस्की हो जाएंगे, अब ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। एक बढ़िया ऑप्शन धनंजय का ही रहेगा दोस्तों, है ना। और लास्ट गेम की बात करें इनकी, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ना तो डम्बूला जाइंट से हार के आ रहे हैं ये, ठीक है। अब दोस्तों बैट बॉल 11 ओपन करेंगे, जो मैंने पहले बनाए थे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे, कोई बात नहीं, मुझे याद है किसे किसे लिए थे हम। गुरबाज थे, फर्नांडो, कैडमर, हसरंगा दोस्तों, थिकसाना लकमल और जेडन सील्स। अब दोस्तों यहाँ पे ना थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट होगी क्योंकि हमें अकेला धनंजय भी चाहिए, चमीरा भी चाहिए, इसके बाद डेसिल्वा भी चाहिए, अब एक प्लेयर बैट्समैन जो कि टॉम बेंटन। यहाँ से दोस्तों मैं बताऊँ तो एक प्लेयर हमारे मिस हो गए, वो कौन, वो दोस्तों कुशल परेरा जो कि हमें लेने थे। अब इनमें से किन के प्लेस पे वो लिए जा सकते हैं, अब वो दोस्तों या तो आप डेसिल्वा ले लीजिए या तो हसरंगा ले, क्या कहते हैं दोस्तों, कुशल परेरा ले लीजिए, है ना।
लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वाले गेम में ना डे सिल्वा ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे कंपेयर टू कुशल परेरा, अगर हम उन्हें नहीं ले पा रहे हैं तो। ठीक है, बाकी आप ऐसा चेंजेस कर सकते हैं। बाकी डायरेक्टली CVC की बात करें, सबसे सेफ CVC में आपके लिए रहेंगे दोस्तों हसरंगा डिसिल्वा। इसके बाद आप किसी को बनाना चाहें थोड़ा रिस्क लेके तो वो है गुरबाज, है ना, और इन दोनों में से बढ़िया ऑप्शन रहेगा। बाकी मेरे अपनी टीम्स की बताऊँ ना, एक रिस्की टीम का मैं बताऊँ तो दोस्तों वो रहेगा गुरबाज का, और दोस्तों रहेगा दुश्मनता चमीरा का जो कि अंतिम ओवर करेंगे। ठीक है, ये रहेगी रिस्की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों रिस्की, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाकी सेफ टीम का मैं बताऊँ वो दोस्तों आपके लिए रहेगा हसरंगा का और डिसिल्वा। आप रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। हसरंगा दोस्तों आपके लिए डिफ़ॉल्ट पिक के तौर पे रहेंगे सारे के। ठीक है, यह हेड टू हेड की टीम रहेगी। एक सेकंड दोस्तों, यह हेड टू हेड की टीम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाती है, आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्टेस्ट पड़े हैं यहाँ पर, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हेड टू हेड के रेट ना यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा कम है ना, 525, सिर्फ 25 रुपये आपके एक्स्ट्रा लग रहे हैं यहाँ पे, बाकी में तो दोस्तों 40 से 50 रुपये भी लग जाते हैं। तो हेड टू हेड यहीं पे खेलिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।